ये सोचते हैं कि बंटा हार जाएगा पर बंटा है मालिक की रहमत से मिलती है जीत। तो कैसे हो बंटाई की पब्लिक, आप सबको तो मालूम है एमवी बंटाई का KOTS एल्बम पूरा ड्रॉप हो चुका है। सो इस एल्बम में टोटल 17 गाने देखने को मिले हैं। सो पब्लिक, इस एल्बम के एक एक गाने की बातचीत हम हर एक वीडियो में करेंगे, लेकिन पब्लिक आज के वीडियो में हम पाशा और जादू की बात करने वाले हैं। ये दोनों एमवी बंटाई के किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप गाने को सुनकर 3-4 दिन के लिए तो चुप थे और पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री में मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे थे। और इनको मालूम था अभी कुछ बोलेंगे तो बंटाई और बंटाई की पब्लिक हमारी सही तरीके से मार लेंगे। और ये बात तो सब बंदों को पता है, बंटाई और बंटाई की पब्लिक वन साइडेड और पाशा और एमसी के नल्ले फैन एक तरफ है। सो कुछ दिन बीतने के बाद इनके नल्ले फैन अपने पापा पाशा और एमसी स्टैन को एमवी बंटाई को डिस करने की डिमांड कर रहे हैं। वैसे तो इन दोनों की एमवी बंटाई के नाम लेने में इतनी फटती है, लेकिन कल पाशा भाई इंस्टाग्राम में एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाते हैं जिसमें ये पाशा भाई अपने नल्ले फैन के साथ मिलकर एमवी बंटाई को पोक करते हैं। हैदराबाद वाले मौत डाल रहे ले जितने लोग आने का। अच्छा, 24 जून बोल्डर हिल्स काची बावली इकट्ठे हो जाओ, भूत बना देंगे। वैसे तो पाशा भाई का एमवी बंटाई नाम लेने में इतनी फटती है क्योंकि ये बंदा वॉइस मैसेज में बोलकर भूत बनाने की बात कर रहा है। ये पाशा भाई अपने नल्ले फैन के साथ बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, लेकिन आप लोग असलियत में देखोगे तो इनका पूरा गैंग एमवी बंटाई नाम से ठस जाता है। शायद ये पाशा भाई 24 जून को पूरी दुनिया हिलाने वाले हैं। गजब बेइज्जती है। तो पब्लिक बात करते हैं अगले बंदे जादू की। ये भाई भी 2-3 दिन से बिल्कुल चुप थे, लेकिन परसों अचानक से इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डालते हैं जो कि अनअवेलेबल दिखा रही थी। तो पब्लिक आप लोगों को क्या ही बताऊं, इनकी स्टोरी हम पब्लिक तो नहीं पढ़ सकते, शायद इनकी स्टोरी इनके एलियन मित्र मंडली पढ़ सकते हैं जो कि इन बंदों को ही पता होगा इनके भाई ने क्या स्टोरी लगाई थी। सो इसी स्टोरी को देखकर मिंटा भाई भी रिप्लाई देते हैं जो कि बंटाई रिकॉर्ड के आर्टिस्ट है। इंस्टाग्राम में एलियन की स्टोरी अनअवेलेबल, जब लेबल बोले तब इसकी हाथ वर्ती, ये एलियन की शकल की लेबल की कठपुतली, ये खुद को बोलेगा पर इनकी जी फटती, ऐसे जादू के शकल पे पूरी बस्ती है हस्ती। तो इसी के बाद एलियन भाई फाइनली इंस्टाग्राम में वापस आते हैं और एक स्टोरी डालते हैं जिसमें कहते हैं नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। अच्छा, जिसमें ये भाई बताना चाहते हैं हर चीज की कीमत जानो लेकिन जिसकी वैल्यू कुछ नहीं है। इसी के बाद इसके पापा एमवी बंटाई भी रिप्लाई देते हैं आई डोंट वैल्यू प्राइजी। सो इसके पापा इसको ये बताना चाहते हैं मैं कीमती चीजों को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देता। और इसके बाद एमसी भाई कितनी जल जाती है, अब की बार वो अपने इंस्टाग्राम में एक फोटो अपलोड करते हैं जिसके कैप्शन में कुछ ऐसा लिखते हैं दे डोंट गिव अप अंटिल आई मेक इट। और इसके जस्ट बाद एमवी बंटाई भी एक फोटो डालकर इसको फिर से पोक कर देते हैं द डे दे रीच माय लेवल दे कैन एक्चुअली से दे मेड इट बाय द वे आई स्टिल डोंट गिव अप। सो पब्लिक, ये मोटू पतलू एमवी बंटाई को जितना मर्जी पोक कर ले फिर भी एमवी बंटाई की बराबरी नहीं कर सकते। कुछ बंदे तो मुझे बोलेंगे तू खाली पिली का हेट फैला रहा है, लेकिन पब्लिक असली बात तो ये है ये करे तो ठीक और हम करे तो हेट, तुम करो तो ठीक मैं करूं तो असली। सो पब्लिक छोड़ो इन दोनों बंदों को, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। आज रात एमवी बंटाई 10 बजे लाइव आने वाले हैं। सो देखते हैं एमवी भाई किस किस चीज के बारे में बातचीत करते हैं। सो पब्लिक आज के लिए इतना ही, सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो अगली वीडियो में बातचीत करते हैं KOTS एल्बम के किन किन गानों में एमवी बंटाई ने किस किस को पेला है। सो जब तक के लिए बाय बाय।